मैं तो एक जनसभा में सुन रहा था, बहुत अभद्र भाषा उनके लिए बोली गई और वो लोग उनको ना अकेले के आ रहे ना कुछ, उनके कहने के हिसाब से सबको मालूम है आप मीडिया के साथी हो। यहाँ सिरसा की सीट हम बहुत बड़े मार्जिन से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, सब साथी बैठे हैं इनके आशीर्वाद से हम जीत रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा, कल रोहतक में भी उन्होंने कहा मीडिया में भी, कि हम एचएलपी का समर्थन करते हैं। वो भी नहीं चाहते कि यहाँ कांग्रेस जीते, तो अगर उन्होंने मुझे समर्थन दिया तो बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ से मैसेज आए हैं, हमें हम आपको वोट देंगे। देखो, सिरसा के लोगों ने तो उनको बहुत मान सम्मान दिया था, पर उन्हीं की पार्टी ने अगर उनको एक, मैं तो एक जनसभा में सुन रहा था, बहुत अभद्र भाषा उनके लिए बोली गई, दलित महिलाएं हैं और इतनी सीनियर हैं, उसके बावजूद भी उस पार्टी में आप देखो क्या मान सम्मान नहीं है, तो उनकी अपनी पार्टी हम क्या कह सकते हैं। सिरसा वालों ने बहुत मान सम्मान दिया और वो लोग उनको ना अकेले के आ रहे ना कुछ, उनके कहने के हिसाब से सबको मालूम है आप मीडिया के साथी हो, कि उनके साथ क्या हो रहा है। लगता नहीं कि प्रचार से दूरी बनाने से कांग्रेस को नुकसान होगा? बिल्कुल होगा, हो रहा होगा, बिल्कुल होगा ही। जब एक समाज के साथ, दलित समाज के लोगों के साथ आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो हो गई। सिरसा विधानसभा की बात करें तो बीजेपी यहाँ आपके सामने आप सब लोगों के आशीर्वाद से, सब साथी बैठे हैं इनके आशीर्वाद से हम जीत रहे हैं। रही बात कि मैंने कल खुद पढ़ा भास्कर में, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा, कल रोहतक में भी उन्होंने कहा मीडिया में भी, कि हम एचएलपी का समर्थन करते हैं। हमने भी पहले 5 साल एनडीए का अनकंडीशनली समर्थन किया हुआ था, तो उन्होंने मुझे समर्थन दिया है कि हम आपका समर्थन करते हैं, आप जिस सोच के साथ। और जैन साहब जैसे बोल रहे थे कि इस पार्टी के अगेंस्ट, वो भी नहीं चाहते कि यहाँ कांग्रेस जीते, तो अगर उन्होंने मुझे समर्थन दिया तो बहुत अच्छी बात है। क्या उनके ऐलान के बाद यहाँ सिरसा की जो लोकल बीजेपी की बॉडी है वो आपके साथ आ रही है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, उनके फोन आ रहे हैं, वो लोग साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ से मैसेज आए हैं, हमें हम आपको वोट देंगे। Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.